बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। नाउ वी स्टार्ट इस्लामियात क्लास 5। वी स्टार्ट रिवीजन, ओके। एंड द डेट इज़ 24 अप्रैल 2021 एंड द डे इज़ सैटरडे। जी तो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रीवियस लेसन में जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट से किया है, रिवीजन हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है, ताकि जो बच्चे जिन्होंने अब हमें ज्वाइनिंग की है तो उनको प्रीवियस लेसन में कुछ कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है, वो काम क्लियर कर लें। जी तो हम लोगों ने अल्लाह ताला की निशानी की रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और आप लोगों ने आज इसकी करनी है रीडिंग। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 नेम इज़ रिसालत, ठीक है। अच्छा जी, रिसालत क्या होता है? रिसालत बच्चों होता है, रिसालत जो है ना, ये इसका मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाली, ठीक है। मतलब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस तरह के जो कम व बेश 1,24,000 जो है पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो वो सब किस मकसद के लिए हैं? अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए हैं, ठीक है। और उनका क्या मकसद होता था, उनका क्या काम क्या था? कि वो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक, इधर ज़मीन तक लाते थे और उस पहुँचाते थे, ठीक है, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते थे, सही है। तो पैगाम पहुँचाने वाले को क्या कहते हैं? नबी और रसूल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कम व बेश 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, इंसानों की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर हमारे ऊपर नाजिल किए हैं, ठीक है। और सबसे हमारे जो आखिरी पैगंबर हैं, हमारे जो आखिरी नबी हैं, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ख़ातमुन्नबीयीन भी कहते हैं, यानी कि जिन पर एंड हुआ है नबूवत का, ठीक है। अच्छा, आप सल्लम ने क्या है कि तमाम जो तालीमात हैं इस्लाम की उनको मुकम्मल कर दिया है। आप सल्लम ने तमाम इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया है, ठीक है। और जितनी भी जो पिछले अंबिया थे उनकी जितनी भी पिछली तालीमात थी वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नबी पाक सल्लम की इताअत करना कितना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुरान पाक में भी, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जो है ना, इसकी इताअत को, इस इताअत पर बहुत जोर दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इताअत जो है उन आपकी फर्माबरदारी हर हाल में की जाए, ठीक है। अल्लाह ताला ने आप सल्लम की इताअत को अपनी इताअत के साथ जो है वो रखा है कि एक जगह अल्लाह ताला ने वो इरशाद फरमाया है कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और फिर एक और जगह इरशाद फरमाया है कि कुल आतिउल्लाह व रसूल, यानी कि कह दीजिए इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। इसके अलावा बच्चों, हम लोगों को इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ेंगे कि हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। जब तक हम हज़रत मोहम्मद सल्लम के बताए हुए असूलों पर, आप सल्लम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होंगे, हम ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो शख्स जो है वो अपनी लाइफ में कामयाबी चाहता है तो उसे आप सल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल पैरा होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने इसकी रीडिंग जो है वो अच्छे वाली करनी है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है चैप्टर नंबर 2 रिसालत की, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।